हेलो दोस्तों, इन्वेस्टर दरा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो का एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम बनाएं। इस बार हम VBA मैक्रो का यूज़ नहीं कर रहे हैं इस भाग में, ये दूसरा भाग है। हम पावर क्वेरी के माध्यम से हम डेटा फेच करवाएंगे एक्सेल शीट पर और उस डेटा को दूसरे शीट पर ले जाएंगे जहाँ पे हमें लाइव डेटा मिल सके। शुरू करने से पहले हम सारी चीज़ें पहले एक नोटपैड पे सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक नोटपैड खोल रखा है जिसमें मैंने URL कॉपी कर रखा है। अब आपको पहले तो NSE इंडिया के वेबसाइट पे जाना है, तो मैंने वो भी साइट खोल रखा है। मार्केट डेटा पे जाइए, इक्विटी एंड SME मार्केट पर जाइए। अब यहाँ पे सिर्फ इंस्पेक्ट कीजिए और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें कॉपी करनी होगी। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कंसोल सोर्सेस, यहाँ पे नेटवर्क पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको कह रहा है कि हिट कंट्रोल आर, अगर नहीं दिखता है तो हिट कंट्रोल आर कीजिए, नहीं तो ये मार्केट स्टेटस आपके पास आ जाता है। अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें कॉपी करनी है, तो पहले तो आप कॉपी कीजिए। एक्सेप्ट एनकोडिंग का पार्ट को यहाँ तक ही कॉपी कीजिएगा, जी जिप कॉमा डिफ्लेट करके सी, कंट्रोल सी किया है मैंने और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आते हैं लैंग्वेज पे, ये पूरा लैंग्वेज आप कॉपी कीजिएगा, कंट्रोल सी, फिर से कंट्रोल वी। इसके बाद आपको यूज़र एजेंट कॉपी करना होता है, तो ये आप कॉपी कीजिएगा यहाँ तक, कंट्रोल सी, और फिर से अपने नोटपैड पर एंटर कीजिए, कंट्रोल वी, फिर से एंटर कीजिए। अब हमें लास्ट जो कॉपी करना होता है वो है कुकीज़। तो कुकीज़ के लिए आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या तो सबसे आसान तरीका है ये BM अंडरस्कोर SV इक्वल टू, ये कुकी कॉपी करना होता है, तो ध्यान रखिएगा BM अंडरस्कोर SV, और इसे यहाँ तक इक्वल टू तक कॉपी करना होता है। तो कंट्रोल सी कीजिए, फिर से कॉपी किया मैंने और ये कुकी यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, एंटर। इन सब चीज़ों के अलावा हमें एक API भी लगेगा जो हमें गूगल के माध्यम से मिल जाएगा। सिर्फ ये टाइप कीजिएगा REQ RES API, और जो पहला आपको सर्च मिलता है उस पर क्लिक कीजिए। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट API दिखेगा, या तो इस पे क्लिक कीजिए और ये पूरा कॉपी कर लीजिए, फिर से अपने नोट पैड पर आइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला भाग का काम था वो हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे एक्सेल शीट पर। यह पावर क्वेरी सिर्फ 2013, 2016, 2019 मतलब जितने भी नए वर्जन्स हैं उस पर काम करेगा। 2010 पर भी काम कर सकता है, लेकिन 2010 के लिए आपको शायद एक टूल पैक डाउनलोड करना पड़ता है पावर क्वेरी का। अगर वो चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें है तो 2010 में भी काम करेगा। तो हम 2016 पर काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है पहले, तो हम शुरू करते हैं हमारा नॉर्मल प्रोसेस जिसमें हम सिर्फ डेटा फेच करवाएंगे इस एक्सेल शीट पर। तो पहले आपको जाना है डेटा पर, डेटा पर यहाँ पे न्यू क्वेरी दिखेगी, न्यू क्वेरी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेस क्लिक कीजिए और फिर फ्रॉम वेब। तो ये आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स खुला है, हमें यहाँ पे एडवांस पर क्लिक करना है। तो आपको पहला दिखेगा URL पार्ट्स, तो पहले नोटपैड खोलिएगा, तो मैं इसे ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। अब आपका नोटपैड यहाँ पे साइड में कर लीजिए। तो आपको पहले तो URL डालना होता है, तो पहले ये URL डालिए, कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक करके पैरामीटर्स डालने हैं। तो पहला एक्सेप्ट एनकोडिंग का पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमारा ये था एक्सेप्ट एनकोडिंग, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। फिर एक नया हेडर के लिए ऐड हेडर कीजिए, यहाँ पे हम लेंगे लैंग्वेज, एक्सेप्ट लैंग्वेज, फिर से जाएंगे नोट पैड पर, ये कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे,
फिर से एक और हेडर डालेंगे, यहाँ पर हम लेंगे यूज़र एजेंट, ठीक है। फिर से नोटपैड पर जाएंगे, ये हमारा यूज़र एजेंट है, कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर से ऐड हेडर करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे कुकी। कुकी में हमें जो हमने कुकी कॉपी किया था उसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पांच चीज़ करनी होती है और इसके बाद आपको सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पावर क्वेरी का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पर पहला काम कीजिए कि इसे एक नाम दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे ऑल इंडाइसेस करके नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको स्पेस देना है तो या तो आप अंडरस्कोर डालिए, अंडरस्कोर इंडाइसेस, ये एक तरीके का कोडिंग होता है। आप चाहे तो स्पेस भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छा तरीका जो होता है वो अंडरस्कोर के साथ होता है, या तो आप स्पेस मत डालिए इसमें। मैं बिना स्पेस के ऑल इंडाइसेस रख रहा हूँ और इसे यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप क्वेरीज पे क्लिक करोगे तो ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब आपको जाना है होम पर, एडवांस एडिटर पर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यूआरएल हमने डाला था, जो एपीआई डाला था, एपीआई का यूआरएल, ये गलत है। हमें जो हमारा यूआरएल है वो डालना होता है। तो यहाँ पे पहला जाएंगे हम और ये जो हमारा यूआरएल है इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन चार चीज़ें चेंजेस करनी होती है, बहुत आसान है। आप एक्सेप्ट एनकोडिंग के बिल्कुल पहले आइए और यहाँ पे एक हैश डालिए और एक कोटेशन मार्क की शुरुआत कीजिए। एक्सेप्ट और एनकोडिंग के बीच में एक डैश डालिए और फिर इक्वल टू से पहले कोटेशन मार्क को बंद कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी होती है ताकि ये प्रोग्राम को समझ में आए कि हमें उससे कौन से वेबसाइट के HTML फॉर्मेट से चीज़ें उठानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर से हैश डालते हैं, कोटेशन शुरू करते हैं, एक्सेप्ट और लैंग्वेज के बीच में एक डैश डालते हैं और इक्वल टू से पहले कोटेशन क्लोज करते हैं। फिर से जाएंगे यूज़र एजेंट पे, यूज़र एजेंट पे भी यही करेंगे, हैश डालेंगे, कोटेशन शुरू शुरू करेंगे, फिर यूज़र एजेंट के बीच में डैश डालेंगे और इसे क्लोज कर देंगे, कोटेशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा नो सिंटैक्स एरर्स हैव बिन डिटेक्टेड। ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल आना चाहिए। अगर ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तो आपको एरर देगा। आप फिर डन पे क्लिक कीजिए, ये आप देख सकते हैं कि पावर क्वेरी रन कर रहा है। अब यहाँ पे आप अगर आप लिस्ट पे क्लिक करते हो, डेटा के लिस्ट पे, तो आपको सारे डेटास मिल जाते हैं। इसके बाद क्या करना होता है कि आपको इसे टू टेबल पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो ये एक और एक टैब खुल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ओके कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड करके एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे एक्सपैंड करना होता है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से चीज़ें यहाँ पर आ रखी है। तो इसमें से आप चाहे तो सारी चीज़ें ले सकते हो, जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे ओके करूँगा तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन हमें ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं होती। तो हमें क्या चाहिए, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो का ही कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से जाएंगे, यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट ऑल कॉलम्स को हटा के पहले तो इंडेक्स सिंबल लेंगे, एक लास्ट प्राइस लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमें लेना है वो सिंपल एडवांसेस डिक्लाइंस एंड एडवांसेस और अनचेंज्ड, ओके। तो आप ओके कीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। और हमें बिल्कुल यही सारी चीज़ें चाहिए थी, तो हम सिंपल अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा हमें चाहिए था वो यहाँ पे मिल चुका है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500।
उसके डिक्लाइन के डेटा, एडवांसेस के डेटा और अनचेंज्ड डेटा, ठीक है। और अभी हमें ये डेटा को दूसरे शीट पर ले जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सारी इंडाइसेस के डेटा ले सकते हो, इसके अलावा इंडिया विक्स का डेटा है वो भी ले सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, मैं सिर्फ अपने मेन शीट, इस शीट को नाम चेंज कर देता हूँ मेन शीट, ठीक है। और मान लीजिए आपको सिर्फ तीन कॉलम चाहिए, तो हम सिर्फ तीन कॉलम का फ्रेमवर्क रखते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले दे देते हैं सिंबल, और यहाँ पे एडवांसेस, डिक्लाइंस और अनचेंज, ठीक है। तो आप फॉर्मेटिंग कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी थी, और आपको जिस हिसाब से फॉर्मेटिंग या फॉन्ट लेने हैं वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। होम, पहले तो मैं इसे कोलैप्स ही कर देता हूँ, और यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको कौन कौन से इंडाइसेस चाहिए, उसके सिर्फ आपको लिंक देने हैं। तो यहाँ पे पहले प्लस टाइप कीजिए, शीट टू पर जाइए, और यहाँ पे निफ्टी 50 और एंटर कीजिए। तो ये निफ्टी 50 आ गया। फिर से जाइए एडवांसेस पे, प्लस कीजिए शीट टू, यहाँ पे एडवांसेस देखिए और यहाँ पे एंटर कीजिएगा, ठीक है। वैसे ही डिक्लाइंस पे प्लस और ये 39, डिक्लाइंस और अनचेंज पे ये प्लस शीट टू 0, ठीक है। अब इसे आप फॉर्मेटिंग जैसा चाहे वैसा कर लें। अब इसके अलावा अगर आपको सारे डेटा चाहिए, वैसे मैं 5 ही डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 डेटा के डेटा पॉइंट्स मिल गए हैं। फिर यहाँ पे भी मैंने ड्रैग किया है, तो ये सारे डेटा जो है यहाँ पे कॉपी हो गए हैं। तो जब भी मैं यहाँ पे अगर चेंज करूँगा, 15 करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये 15 हो गया। वैसे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से शीट लगभग पूरा बन चुका है। इसमें मैं इसे 28 कर देता हूँ और मान लीजिए, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर इंडिया विक्स लाना चाहता हूँ तो प्लस कीजिए, इंडिया विक्स यहाँ पर होगा, एंटर कीजिए। ये सारा फॉर्मेट ऐसा ही चलेगा इसका, ठीक है। फिर से प्लस कीजिए, जाइए और ये वैल्यू लीजिए। अब इंडिया विक्स का मैंने यहाँ पर अलग से बताया था, क्योंकि इसका एक ही वैल्यू है। तो अब हम इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया विक्स 38.18। अब निफ्टी बैंक अगर लेना है तो फिर से जाइए प्लस बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक यहाँ पर है। सिंपल आपको फॉर्मेट कॉपी कर देना है, प्लस कीजिए यहाँ पे शीट टू, निफ्टी बैंक है यहाँ पर, एडवांसेस फिर से डिक्लाइन 9 का प्लस और ये अनचेंज्ड 0, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे इसमें भी PSU बैंक और प्राइवेट बैंक का चाहिए, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दी गई है। अब इन सारे सिंबल में से कौन से भी सिंबल चूज़ कर सकते हो, ये एक सिंपल तरीका है। प्लस कीजिए, फिर से एंटर, निफ्टी PSU बैंक, प्लस निफ्टी PSU बैंक पर जाइए। यहाँ पर है एक, ठीक है, प्लस फिर से निफ्टी PSU बैंक 12 और ये है 0, ठीक है। और अगर मुझे निफ्टी प्राइवेट बैंक चाहिए, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा, ठीक है, 4 6 और प्राइवेट बैंक 6 और 4, 4 एडवांसेस 6 डिक्लाइन। तो ये आपको मिल गया है
सिंपल फॉर्मेट कॉपी कीजिए। ठीक है, तो ये हमने डेटा पुल कर लिया है। अब हम आते हैं कि हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाएं, जैसे हमें नंबर्स ना दिखना पड़े और सिर्फ हमें कलर दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि ये बेयर मार्केट है या बुल मार्केट है। तो हम यहाँ पे दो दो कंडीशंस लगाएंगे, एडवांस और डिक्लाइंस पर। ठीक है, तो पहले कंडीशन लगाते हैं एडवांसेस पर। हम जाएंगे न्यू रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं इसको। यहाँ पे हम एक डॉलर साइन हटा देते हैं ताकि हमें फॉर्मेटिंग कॉपी करने में आसानी हो, और यहाँ पे सिग्नल दे देते हैं अगर ये वैल्यू एडवांसेस का वैल्यू बड़ा है डिक्लाइन से तो हम इसे दे देंगे ग्रीन कलर। ओके, और एक और रूल ऐड करेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर से जाएंगे न्यू रूल। अगर ये छोटा है तो हम इसे एक रेड सिग्नल देंगे फॉर्मेट। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे 11 आ गया है। ठीक है, क्योंकि 11 छोटा है 39 से, इसलिए एडवांसेस में रेड दिखा रहा है, मतलब मार्केट बेयर मार्केट है। और यहाँ पे डिक्लाइन में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग उल्टा कर देते हैं, जैसे इसमें न्यू रूल करेंगे। अब इसमें फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट, और इसमें जाएंगे ग्रेटर दैन। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो हमें कौन सा सिग्नल चाहिए होगा, क्योंकि डिक्लाइन है तो हमें फिर से रेड सिग्नल चाहिए होगा। तो हम फॉर्मेट पे जाएंगे, रेड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है, फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, न्यू रूल पर, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स ग्रेट। अभी यहाँ पे हम डालेंगे लेस देन। अगर ये वैल्यू लेस देन है तो कौन सा हमें सिग्नल मिलना चाहिए, ग्रीन कलर का। ओके, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे फॉर्मेट किया और इसे ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा हो गया है। अब हम सिर्फ चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसको उल्टा कर देता हूँ 39 और 11, तो यहाँ पे मैं 39 11 यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 और 39 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया। अब मान लीजिए मैं सिर्फ डेटा रिफ्रेश करता हूँ तो वो आपको ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग दिखा देता है। तो ऐसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारे सेल्स पे लगा सकते हो। मैं थोड़ा इसे और फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर्स इसे मैं कलर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसे सिंपल सा, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम कलर दे देता हूँ। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे अपने हिसाब से कलर कोड दे सकते हो। इंडिया विक्स 38 पर है, इसे भी आप एक कलर कोड दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से हम पावर क्वेरी का यूज़ करके हम एडवांस और डिक्लाइन रेशियो का एक ऑटोमेटेड शीट बना सकते हैं। आप इस पावर क्वेरी को रिफ़्रेश कर सकते हो डेटा पे जाके, रिफ़्रेश ऑल करके, तो हमेशा डेटा रिफ़्रेश होता रहेगा। या तो आप जाइए डेटा पे, कनेक्शन टैब पे जाइएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा और इसे रिफ़्रेश एवरी 2 मिनट्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये हर 2 मिनट में रिफ़्रेश होता रहेगा आपका डेटा। ओके, तो इस तरह से आप ये शीट को ऑटोमेट कर सकते हैं पावर क्वेरी के साथ। ये भाग दो था और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो का विद पावर क्वेरी। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे हम ये डेटास को हर 2 मिनट या हर 5 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड करें और इसका एक चार्ट बनाएं, लाइव चार्ट, हर एक डेटा पॉइंट्स के हिसाब से हमें समझे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें ये सारे नंबर्स ना देखना पड़े, हमें सिर्फ एक चार्ट देख के पता चले कि एडवांसेस बढ़ रहे हैं या डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ जो है वो तीसरे भाग में बताई जाएगी, जिसमें हम मैक्रो का यूज़ करके पहले तो ये डेटा रिकॉर्ड करेंगे हर 5 मिनट पे, और उसके बाद एक चार्ट बनाएंगे जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसके बेसिस पर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं, तो आने वाले ऐसे सारे वीडियोस सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।